हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर एस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि सेसफल प्रमेय, यानी सेसफल कैसे निकालते हैं, सेसफल निकालने का मेथड क्या है। दोस्तों इस बारे में आज जानेंगे और इसके बारे में आज बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए कुछ और बातें करते हैं इस पे। आज बताते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में होता क्या है। दोस्तों अगर बात करें हम, जैसे सेसफल क्या है, है ना, सेसफल क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर क्या होता है आज हम बात करेंगे रिमाइंडर के बारे में। बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है जिसको हमेशा दिमाग में रखना कि रिमाइंडर है क्या। तो सबसे पहले अगर दोस्तों हम बात करें रिमाइंडर के बारे में, तो रिमाइंडर का मतलब ये होता है कि जब हम भाग देते हैं, जब हम भाग देते हैं ऐसी दशा में रिमाइंडर का यूज होता है, रिमाइंडर निकलता है। क्या निकलता है, जैसे मान लीजिए हमने 10 में भाग दिया, मान लीजिए हमने 10 में भाग दिया 3 से, है ना, तो 3 त्रिका 9, बचा कितना, 1। यही 1 जो है क्या है दोस्तों, सेसफल है। यही जो 1 क्या है, सेसफल है, इसी को हम रिमाइंडर कहते हैं। और ये जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं भागफल। और ध्यान देना, इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाजक, क्योंकि ये डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है, और इसको भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भाज्य बोलते हैं, यानी डिवाइडेंड बोलते हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या बातें हैं, यहां पे ये चीज दिमाग में हमेशा रखना है। जब हम किसी भी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं ऐसी दशा में, ये चीजें सामने की तरफ निकल के आती हैं, जो कि आपके सामने हम बात कर रहे हैं सेसफल प्रमेय के बारे में। तो सेसफल क्या है कि जब हम किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं, तो जो भागफल जाता है उसका और भाजक के साथ मल्टीप्लीकेशन, जब भाज्य में से घटाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, सेसफल प्राप्त होता है। दोस्तों यही है इसका सिस्टम, इस बात को यहीं पे आप समझिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है, उस पे आती है, बात आके अटकती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, जो भाग देने का हमारा पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल है वो क्या है, यहां पर है भाजक। भाजक मतलब डिवाइजर कहते हैं इसको, ध्यान देना। ये है क्या, भागफल। भागफल यानी इसको हम कोसेंट बोलते हैं, क्यू से मान लेते हैं। यहां पे डिवाइडेंट होता है, यानी डी मानते हैं। और ध्यान देना, यहां पे इसे क्या कहते हैं हम, इसे हम कहते हैं भाज्य, और इसे कहते हैं दोस्तों भाज्य, ध्यान देना। और जो यानी डी इंटू क्यू, यानी भाजक और भागफल को जब हम घटाते हैं भाज्य से, तो मुझे क्या मिलता है दोस्तों, सेसफल मिलता है। इसको हम सेसफल कहते हैं, और सेसफल को क्या कहते हैं, हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये सिस्टम होता है। लेकिन अब ये तरीका हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन का मतलब एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में कैसे इसको ढालेंगे, उसके लिए याद रखिएगा इसका इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। यानी भाजक, ध्यान देना, भाजक में भागफल का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं प्लस सेसफल कर देते हैं उसमें, तो हमें क्या मिलता है, भाज्य मिलता है। दोस्तों ये भाज्य मिल गया। इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार कई तरीके से यूज करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। यानी भाजक, डिवाइजर, याद रखना, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड, ये होता है इसका सिस्टम। इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा, इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो चर्चा हो रही है वो रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हो रही है। अब रिमाइंडर थ्योरम, अब रिमाइंडर कितने तरीके से निकलता है इस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। रिमाइंडर जब हम निकालने की बात करते हैं, तो भाग यानी जो सेसफल होता है भैया,
जो शेषफल होता है, शेषफल वो दो तरीके से निकलता है, यानी जो शेषफल होता है कितने तरीके से, दो तरीके से निकलता है, पहला और ये हो गया दूसरा। पहला धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, और दूसरा क्या निकलता है, नेगेटिव। इस ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी काम है, यहाँ पे इसको आपको समझना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्लियर करोगे सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। अब दोस्तों बात करेंगे कि पॉजिटिव कैसे आता है और नेगेटिव कैसे आता है। एक छोटी सी बात करें, अगर हम 10 में भाग दें कितने से, 3 से, 10 में भाग दें अगर 3 से, तो ध्यान देना 3 × 9 बचा कितना, 1। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्या, पॉजिटिव रिमाइंडर। ये क्या हो गया आपका, पॉजिटिव रिमाइंडर। लेकिन दोस्तों अगर यही हम 10 में भाग दें कितने से, 3 से, तो 3 × 12, ये आ गया आपका -2, ये हो गया आपका क्या, नेगेटिव रिमाइंडर। याद रखिएगा, यानी नेगेटिव रिमाइंडर में नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकलता है, एक बार और ले जाते हैं, यानी जितना जाता है उतना तो ठीक है, जितना क्वेश्चन जाता है वो ठीक है, लेकिन उससे एक बार और ज्यादा ले जाते हैं, तो उस डिवाइडेंट यानी उस भाज्य से जितना ज्यादा होता है दोस्तों वो नेगेटिव रिमाइंडर हो जाता है। और नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं, याद रखिएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए इसमें से इस चीज को माइनस कर देते हैं, तो बचेगा कितना, 1। ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो गया। वैसे हमेशा जो कंसीडर किया जाता है वो क्या कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, लेकिन निकालने की दृष्टि से हम नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे। जैसे कोई भी सवाल होता है, किसी भी तरीके के सवाल को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आप पॉजिटिव पे भी दिमाग लगाइए, नेगेटिव पे भी दिमाग लगाइए। पॉजिटिव पे दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव पे तो ठीक है, लेकिन जो दो में छोटा हो हम उसी को कंसीडर करेंगे, यानी बड़े वाले को दोस्तों हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए अब इसमें किस किस टाइप के सवाल बनते हैं ध्यान दीजिएगा। पहले हम बात करेंगे यहां पे दो टाइप का सवाल, यानी पहला और दूसरा। पहला क्या है याद रखना भैया, पहला है a की पावर n डिवाइडेड बाय a+1 का फॉर्म हो, दूसरा है a की पावर n डिवाइडेड बाय a-1 का फॉर्म हो, है ना। तो पहला और दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये किस तरीके का प्रश्न होता है, में आपको क्या करना है, शेष निकालना है, और दोस्तों यहां पे भी क्या करना है, में शेष निकालना है। ये चीज दिमाग में रखिएगा कि जब हम भाग दे रहे हैं तो कितना शेष आएगा। दोस्तों इसके लिए एक विशेष तौर पे दिमाग में रखिएगा सवाल बनता कैसे है। दोस्तों सवाल कुछ इस तरीके से बनता है, इसका सवाल ध्यान दीजिएगा, इसका सवाल दो तरीके से आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। हाँ कैसे कैसे, दोनों का समझिए। जैसे मैं कहूं कि 15 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 16, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 15 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 15+1, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो वही फॉर्म बन गया। अब ध्यान से देखना, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बात को समझिएगा, कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट यहां पे यूज किया जा रहा है, हम इसके बारे में जानेंगे अभी, ध्यान देना। तो ये सवाल है आपका, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया कि 15 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 16, यही लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ भैया, अगर एक और होता तो एक बार चला जाता, तो कहने का मतलब यहां पे रिमाइंडर कितना निकल गया आपका, -1 निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, -1 ने, अरे भाई 15 में 16 से जब भाग देंगे तो मान लेते 16 × 16, एक घटा देंगे कितना आया, -1 आया, -1 की पावर भैया कितना कर देंगे, 12 कर देंगे, आपका उत्तर कितना आ गया, 1। -1 की पावर 12 कर देंगे, आपका उत्तर कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं, यूटिलाइजेशन का मेथड समझिएगा, बाकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आप आसानी से इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो
ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा, बाकी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रूल को समझ के, ठीक है। तो याद रखना जब पॉजिटिव आ गया तो यही आपका आंसर हो गया। लेकिन दोस्तों एक बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्या दिमाग में रखना वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये तो हो गया ऐसी बात, लेकिन अगर यही 15 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 16 होता तो यहां पे जब हम भाग देते तो कितना आता रिमाइंडर, -1 की पावर 15 कर देते, अब ये -1 ही आता, क्योंकि -1 पे दोस्तों जब ऑड पावर लगाते हैं यानी विषम घात लगाते हैं तो उसकी वैल्यू -1 ही होती है, जब उसकी वैल्यू -1 होती है तो माइनस को प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया था 16 में से एक घटा देना, कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का यूज करते हैं, याद रखिएगा हमेशा, यानी -1 की पावर 15 करेंगे तो -1 हो जाएगा और माइनस को प्लस में चेंज करने के लिए 16 में से 1 को घटा देंगे। ये चीज जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी भाषा में दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो क्या निकल के आता है, अब यही पे ट्रिक बना देते हैं, ये सम विषम का फंडा हो गया। यहाँ पे किस तरीके से है सम विषम का फंडा उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देना सम विषम कैसे है, यदि n सम और यदि n विषम, इन दोनों परिस्थितियों में इसका उत्तर क्या होगा। यदि अगर सम है तो आपका रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा और यदि अगर विषम है तो रिमाइंडर हमेशा a आएगा। ये चीज आपको दिमाग में हमेशा रखनी है। तो याद रखना ये आपका कॉन्सेप्ट बन गया, ये आपका तरीका बन गया, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बढ़िया से। सीधी सी बात वैसे यहां भी करते हैं, जैसे मैं कहूं 15 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 16, इसको लिख सकते हैं 15 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 16। अब 15 में 16 से भाग देंगे तो कितना आ गया भैया, ध्यान देना दशमलव को हटा देते हैं, यानी 15 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 16, यहां पे भी आ जाएगा -1 और सॉरी ये प्रश्न दूसरा हो गया है क्योंकि मुझे -1 वाला फॉर्म लाना है, यानी 15 की पावर 18 डिवाइडेड बाई कितना करना भैया 14 करना है। अब 15 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 14 अगर करेंगे, 15 में 14 से भाग देंगे तो शेषफल कितना जाएगा 1 जाएगा, यानी 1 जाएगा और 1 की पावर 18 कर देंगे भैया, इसका वैल्यू कितना आ गया 18। एक बात बताएं भैया, अगर प्लस 1 आया तो ऐसी दशा में यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पे प्लस 1 आ रहा है, अब प्लस 1 की चाहे 18 पावर कर दें, चाहे 19 पावर कर दें, चाहे 20 पावर कर दें, चाहे सम पावर करें चाहे विषम पावर करें, हमेशा इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लगाते हैं, कैसे बात करते हैं, अब इसका शॉर्टकट क्या बन जाएगा, तो इसका शॉर्टकट जानने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, यानी a की पावर n डिवाइडेड बाई ए माइनस 1 में शेष ऑलवेज 1 आएगा हमेशा, चाहे n हो ऑड चाहे n हो इवन, चाहे n एक सम संख्या हो चाहे n एक विषम संख्या हो, दोनों ही दशाओं में उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमेशा कितनी आएगी 1 आएगी, इसको आप दिमाग में रखिएगा, चाहे n सम हो चाहे n विषम हो। ठीक उसी प्रकार से यहां पर हमें देखना पड़ेगा n सम है या विषम है, अगर n सम है तो आंसर कितना आएगा आपका 1 आएगा और यदि n विषम है तो आंसर कितना आएगा आपका a आएगा, ये चीज आपको दिमाग में रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे 17 की पावर 118 डिवाइडेड बाई 18 19 की पावर 120 डिवाइडेड बाई 20, 27 की पावर 1129 डिवाइडेड बाई 28, शेष निकालना समय भैया। इसी तरीके से 125 की पावर 1263 डिवाइडेड बाई 124, 163 की पावर 1259 डिवाइडेड बाई 162,
एंड 63 की पावर 164 डिवाइडेड बाय 62। इसमें क्या करना है आपको, शेषफल निकालना है, इस पे भी शेषफल निकालना है और इसमें भी दोस्तों शेषफल निकालना है। ये पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल और ये हो गया दोस्तों कितना, चौथा, पांचवा और ये हो गया छठवा। ये छह सवाल हैं आपके और इन छह सवाल को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा, छठवां सवाल ध्यान से देखिएगा क्या करना है, कुछ खास नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले हम इस सवाल के बारे में बात करते हैं। ये सवाल क्या कर रहा है, 17 की पावर 118 डिवाइडेड बाय 18। ये कौन सा फॉर्म यूज हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे यूज हो रहा है a की पावर n डिवाइडेड बाय a प्लस 1। प्लस 1 में क्या देखते हैं, ये सम है कि विषम, n की जो वैल्यू है 118 सम है कि विषम, निश्चित रूप से 118 सम है इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे भी सम है रिमाइंडर 1 आएगा, यहाँ पे विषम है रिमाइंडर 27 आएगा। ये जो होता है यही रिमाइंडर हो जाता है जब ये विषम रहता है तब। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। ये a माइनस 1 वाला फॉर्म है हर जगह, इससे ये एक कम है, इससे ये कम है, इससे ये कम है, प्रत्येक दशा में इन ईच एंड एवरी कंडीशन रिमाइंडर विल बी 1, यानी शेषफल हमेशा दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा, शेषफल जो 1 आएगा, यही इसका मेथड है, इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। तो बात को समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें सिस्टम नहीं है। तो शेषफल को काफी तरीकों से हम पढ़ाएंगे, काफी चीजों की तरह से हम पढ़ाएंगे, तो ये चीज आपको विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आज तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। लेकिन हाँ भाई, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, और दोस्तों तक शेयर करिए। ये 3 पार्ट में रिमाइंडर को मैं छोटे छोटे वीडियोज में 3 पार्ट में दूंगा, और ये था रिमाइंडर पार्ट 1, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 1। और उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत ही अच्छा वीडियो रहा होगा, और जहां तक भाई इसको शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आरएस तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।